कष्ट आए, वो जब भी आए हथियार के साथ आए, हमको आपको मारे और हमारे साथ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बातचीत करने के लिए यहाँ के वर्तमान विधायक पंकज पटेल जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि तिरंगा यात्रा समेत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कौन कौन से कार्यक्रम लगे हैं और कहाँ कहाँ पर जाकर किस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं। सर, क्या कुछ कार्यक्रम है कि भारत के सारे देश समृद्ध हो रहे हैं, हम क्यों ना चलें? क्या कुछ कार्यक्रम है, कहाँ कहाँ पर अब तक आप? अब अंग्रेजों की बारी थी, चौथा नंबर आया, भारत में अंग्रेज आए। सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों, ये तीनों देश जो पहले लूटे हथियारों के दम पर लूटे, अंग्रेजों ने सोचा कि केवल देश को लूटना ही नहीं है बल्कि हमें देश की राजगति चलानी है, क्योंकि हम लूट करके लुटेरे बनेंगे, थोड़ा घट पाएंगे और अगर पूरे देश की संपत्ति को अर्जित कर लिया जाए तो हम देश के मालिक बने रहेंगे। अंग्रेजों ने हथियार का प्रयोग नहीं किया, वो पहले शांति तरीके से भारत में प्रवेश किए। सबसे पहले अंग्रेज गुजरात आए। ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में जितने डकैत आए सब गुजरात में सबको पूरी तरह से साथ दे। और ये भारत का दुर्भाग्य समझ लो आप, भारत में जितने चोर चक्के गुजरात आए वो गुजरात के रास्ते आए। उसका एक कारण यह है, गुजरात भारत का ऐसा प्रदेश था जो सबसे समृद्ध था। महमूद गजनवी नामक एक चोर आया था, अगर आपने सुना होगा। क्षेत्र बड़ा है, महमूद गजनवी ने 17 बार जहाँ विशेष कोई हर बार आक्रमण किया, वहाँ किसी न किसी को हर आक्रमण गुजरात के राज्य में एक मंदिर को निशाना बनाया और उस मंदिर से इतनी समृद्धि मिली, उसको इतने धन दौलत मिला, जवाहरात मिले, वो ले नहीं जा पाता था, इसलिए उसको दोबारा आना पड़ता था। देखा जाए तो आप लोग कुछ तैयारियां बना, अंग्रेजों ने भी गुजरात के रास्ते सूरत में कदम रखा। कार्यकाल भी आपका धीरे धीरे शुरू, इस बार अंग्रेजों के हाथ में कोई हथियार नहीं है, उनको अपना साम्राज्य स्थापित करना है। जब अंग्रेज सूरत में आए तो उन्होंने कहा हमें व्यापार करना है। अभी सिर्फ हम लोग मुगराबाद साहब के विकास के बारे में सोच रहे हो, कैसे विकास हो, कहाँ से हो? आराम से अपने स्थान पर बैठे रहे, किसी तरह की कोई घबराहट नहीं। आज भगवान मुगराबाद साहब के विधायक और जिन शहीदों ने प्राणों की आहुति दी है, भगवान जी को दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ।